कहानी की शुरुआत होती है ब्लैंकेट नाम के एक छोटे से कैट से। उसे रोजी नाम की एक लड़की लेकर अपने घर जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में एक और कैट ठंड से कांपती हुई दिखाई देती है। वो उसे भी ब्लैंकेट के साथ ही घर ले आती है। अब वही उन दोनों का घर था जिसमें वो दिन भर रहते थे। वो कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए हमेशा बाहर की दुनिया के बारे में और जानने की कोशिश करते रहते थे। जिस कैट को वो बाहर से उठाकर घर लाई थी, उसके गले में एक लॉकेट थी जो वो ब्लैंकेट को दे देता है। वो ब्लैक कैट एक दिन घर के बाहर के कुछ स्ट्रीट कैट को अपने घर में ले आता है, जिसे देखकर रोजी उन स्ट्रीट कैट के साथ साथ उस ब्लैक कैट को भी घर से बाहर निकाल देती है। ब्लैंकेट भी उनके पीछे पीछे भाग जाता है। कुछ दिन बाद रोजी को ब्लैंकेट वहीं उसके घर के सामने ठंड के मारे कांपता हुआ दिखाई देता है। वो उसे फिर से उठाकर अपने घर ले आती है। उसके बाद से कभी भी ब्लैंकेट ने अपना घर नहीं छोड़ा। आगे हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। ब्लैंकेट अब बहुत बड़ा हो चुका है और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम केप है। वो भी अपने कमरे में ही खेल खेल कर बोर हो चुका था। वो हमेशा अपने डैड से पूछता रहता था कि बाहर की दुनिया कैसी है। ब्लैंकेट उसे हमेशा बाहर जाने से मना करता रहता था। वो कहता था कि बाहर बहुत शोर शराबा है और कुछ नहीं। तभी रोजी उनके कमरे में आती है। वो अपने साथ एक मैकाऊ लेके आती है जिसका नाम मैक होता है। कैप मैक से पूछता है कि तुमने तो बाहर की दुनिया देखी है, तो बताओ कैसी है। मैक कहता है कि उसने भी ज़्यादा नहीं देखी है, इसलिए वो कुछ खास नहीं बता पाएगा। तभी ब्लैंकेट कहता है कि उसने एक बार देखी है बाहर जाके। वो कहता है कि बाहर उस पहाड़ के पीछे एक पीच टोपिया नाम की जगह है जहाँ सारे कैट्स बहुत ही खुशी से रहते हैं। कैट्स के लिए वो जगह एक पैराडाइज से कम नहीं है। वो केप से कहता है कि उसके गले का लॉकेट उसे पीच टोपिया तक जाने का रास्ता दिखा सकता है। रात में केप ब्लैंकेट से कहता है कि आपने बताया था कि जब आप छोटे थे तो यहाँ एक ब्लैक कैट हुआ करती थी, क्या वो अब पीच टोपिया में है? और उसकी मॉम कहाँ गई? वो भी कहीं पीच टोपिया में ही उसका इंतजार तो नहीं कर रही है? केप कहता है कि वो अब बाहर जाना चाहता है। वो यहाँ एक कमरे में बंद होकर नहीं रह सकता। अगले दिन रोजी जब अपने काम पे चली जाती है तो केप उसके साथ साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर रोजी उसे देख लेती है और फिर से उसे रूम में बंद कर देती है। पर केप अब किसी भी हालत में वहाँ से बाहर निकलना चाहता था। वो खिड़की से छलांग लगाने वाला था तभी ब्लैंकेट और मैक आकर उसे नीचे गिरने से बचाते हैं। ब्लैंकेट उसे कहता है कि तुम यहाँ से उड़कर बाहर नहीं जा सकते। वो उसे उसकी माँ के बारे में कुछ बताने वाला होता है, पर वो बीच में ही चुप हो जाता है। केप उससे पूछता है कि कहाँ है उसकी मॉम, वो उससे कभी मिलने क्यों नहीं आई। तब ब्लैंकेट उसे बताता है कि उसकी मॉम पीच टोपिया में है और वो वहाँ नहीं जा सकते। ब्लैंकेट को लगा कि उसकी बातें सुनकर केप पीच टोपिया जाने की जिद छोड़ देगा, पर केप अब और भी ज़्यादा एक्साइटेड था वहाँ जाने के लिए। वो अपने रूम में उड़ने की चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहा था और बहुत ट्राई करने के बाद आखिरकार उसने एक ऐसा चीज़ बना लिया जिसकी मदद से वो उड़कर वहाँ से बाहर जा सकता था। और वो उसकी मदद से उड़कर रूम से बाहर चला जाता है। वो सच में उड़ रहा था। ब्लैंकेट और मैक उसे खिड़की से उड़ता हुआ देख रहे थे। केप शहर पार करके उस पहाड़ की तरफ जा रहा था। ब्लैंकेट मैक से कहता है कि उसे केप को बचाना होगा और वो मैक को लेकर एक कपड़े की मदद से बिल्डिंग के नीचे आ जाता है और ऊपर केप को देखते हुए उसकी तरफ भागने लगता है। कुछ देर बाद केप उसकी नज़रों से ओझल हो जाता है। वो एक पार्क में लैंड करता है। वहीं ब्लैंकेट एक लड़की को देखता है जिसने केप की तस्वीरें खींची थी उसके लैंड होते हुए। वो दोनों उस लड़की के पीछे भागते हैं ताकि जान सके कि केप ने कहाँ लैंड किया है। केप उस पार्क में आकर बहुत खुश था। उसे वहाँ ग्लास की बनी हुई बहुत सी जानवरों की स्टैचू दिखाई देती है। अभी वो ये सब देख ही रहा था कि एक लंगूर उसका मुंह बंद करके वहाँ से थोड़ा दूर ले जाता है और केप से पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे, यहाँ बहुत खतरा है। तभी उन्हें कुछ रैकून्स घेर लेते हैं। वो लंगूर उनसे कहता है कि ये यहाँ गलती से आ गया है, इसे जाने दो, और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। पर बहुत जल्द वो रैकून्स उस लंगूर को पकड़ लेते हैं, पर केप किसी तरह से वहाँ से बाहर निकलने में सफल रहता है। वहाँ के ग्लास फैक्ट्री का मालिक अपने कैमरे में केप को देखता है और उसके गले में लगे लॉकेट को देखकर हैरान था। शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉकेट थी। वो रकून सब भी केप को ढूंढ रहे होते हैं। तभी केप को वही ब्लैक कैट दिखाई देता है। वो उसे उन रकून से छुपाकर भगाता हुआ अपने साथ ले जाता है। ग्लास फैक्ट्री का ऑनर उस रकून को और अपने आदमियों को किसी भी हालत में उस कैट और उसके लॉकेट को ढूंढ कर लाने को कहता है, क्योंकि वो लॉकेट उसके स्टैचू बनाने का इंस्पिरेशन था। ब्लैंकेट और मैक उस लड़की तक पहुंच चुके थे जिसके पास केप की फोटो थी। मैक उससे वो टैब छीनकर भागने लगती है, पर वहाँ के कुछ सीगल्स मैक से वो टैब लेकर भागने लगते हैं। वो दोनों उस टैब का पीछा करते हैं और इस छीना झपटी में वो टैब टूट जाती है और पानी में गिर जाता है। मैक कहती है कि उसने देख लिया है कि केप कहाँ पर लैंड हुआ है। वो ब्लैक कैट केप को अपने साथ लेकर अपने घर पर आता है जहाँ और भी बहुत से कैट्स थे। वो उसे कुछ खाने को देता है। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। केप उसे बताता है कि वो पीच टोपिया की तरफ जा रहा है। उसके डैड ने उसे बताया है कि पहाड़ के पार पीच टोपिया नाम की एक जगह है। तभी वहाँ रकून्स का एक ग्रुप आता है जो केप को ढूंढ रहे होते हैं।
ब्लैक कैट केप को वहीं छुपा देता है और उन रकुन से कह देता है कि यहाँ कोई भी कैट नहीं आया है। वो रकुन वहाँ की तलाशी लेकर वापस चले जाते हैं। ब्लैंकेट और मैग एक बोट की मदद से शहर की नदी पार करके माउंटेन्स की तरफ बढ़ रहे थे। उनके साथ कुछ गूज बर्ड्स भी थे। बहुत जल्द वो उन गूज को बाय बोलकर आगे बढ़ जाते हैं। केप उस ब्लैक कैट से पूछता है कि क्या सच में पिचटोपिया नाम की कोई जगह है। वो उसे बताता है कि इस रिवर के नीचे से होकर एक रास्ता पिचटोपिया की ओर जाता है, पर वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। वो ब्लैक कैट उसे ये भी बताता है कि उसने ही बचपन में उसके डैड ब्लैंकेट को ये लॉकेट दी थी। केप ये सुनकर काफ़ी खुश होता है। वो कहता है कि उसके डैड को जब पता चलेगा कि वो तुमसे मिला तो वो बहुत खुश होंगे। अगले दिन केप उस ग्लास फैक्ट्री के पास जाता है और वहाँ के रेस्पिरेटरी मशीन की मदद से उस रिवर के नीचे जाकर पता करता है कि पिचटोपिया तक जाने का रास्ता किधर से है। उसे वहाँ एक जगह दिखाई देती है जहाँ से होकर मछलियाँ कहीं गायब हो जाती थी। तब तक फैक्ट्री वर्कर उस मशीन को चालू देखकर समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो पाइप को बाहर खींचने लगते हैं। वो केप को पकड़ लेते हैं। ब्लैंकेट और मैक भी उस पार्क तक पहुँच चुके थे। वो रकुन्स उनका भी पीछा करते हैं, पर वो ब्लैक कैट आकर उन्हें भी बचा लेता है। फैक्ट्री का मालिक केप के गले में नेकलेस के ना होने से और भी ज्यादा गुस्सा होता है। केप ने वहां आने से पहले वो नेकलेस उतारकर वहीं ब्लैक कैट के पास छोड़ दिया था। केप को वहां के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है जहां पहले से ही बहुत सारे जानवर मौजूद थे। उसे वहां वो लंगूर भी मिलता है जो उसे बताता है कि हर महीने के लास्ट दिन पे फैक्ट्री का मालिक एक जानवर को ले जाता है और उसका मोल्ड बनाता है ताकि उसकी मदद से वो अपना नया स्टैचू बना सके, और आज महीने का लास्ट दिन है। ब्लैंकेट उस ब्लैक कैट को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। उसे वहां केप का लॉकेट भी मिलता है और वो तुरंत केप को बचाने के लिए फैक्ट्री की तरफ जाता है, पर फेंस से लगे तार से उसे इलेक्ट्रिक का शॉक लगता है और वो वहीं गिर जाता है। रात को फैक्ट्री का मालिक वहां आता है और गुस्से में कहता है कि सारे जानवरों को आज एक एक करके मोल्ड बना दिया जाए, आज वो बहुत सारे स्टैचू बनाएगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। ब्लैंकेट उस ब्लैक कैट को बताता है कि कैसे जब केप बहुत छोटा था तभी उसकी वाइफ की मौत खिड़की के नीचे गिरने की वजह से हो गई थी और उसने केप से झूठ बोल दिया कि उसकी मॉम पिचटोपिया गई है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैक उससे कहती है कि वो केप का पता लगा कर आती है और वो उड़ते हुए केप के पिंजरे के पास पहुंचती है और केप को बताती है कि वो लोग उन्हें बचाने बहुत जल्द आएंगे। मैक वापस आकर उन सबको बता देती है कि केप को कैसे उन लोगों ने पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। तभी वो रकुन्स फिर से उनके घर की तलाशी लेने को आते हैं। ब्लैंकेट और मैक उनसे छुप जाते हैं। वो रकुन्स ब्लैक कैट से कहता है कि अगर तुम आसानी से वो लॉकेट उन्हें दे देते हो तो वो उन्हें सही सलामत यहाँ से जाने देंगे। रकुन्स के जाने के बाद ब्लैंकेट वो लॉकेट ब्लैक कैट को दे देता है और कहता है कि तुम्हें उनसे दुश्मनी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अकेला ही अपने बेटे को बचा लेगा। और वो मैक के साथ उस फैक्ट्री के पास पहुँचता है जहाँ वो देखता है कि केप को एक जलते हुए भट्टी में डाल दिया गया है। वो रोता हुआ वहाँ से आगे बढ़ जाता है, पर केप अभी तक जिंदा था। वो किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल आता है और अपने डैड को आवाज़ देने की कोशिश करता है। ब्लैंकेट और मैक को तब तक वो रकुन्स पकड़कर लेकर चले जाते हैं। केप उनके पीछे भागता हुआ आ रहा था। ब्लैक कैट भी वहाँ आ जाता है। वो केप को समझाता है कि उसकी मॉम पिचटोपिया में नहीं है, वो तो कई साल पहले ही मर चुकी है। वो केप के साथ मिलकर ब्लैंकेट और वहाँ के बाकी सभी जानवरों को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। ब्लैक कैट रकुन से उस लॉकेट के बदले में ब्लैंकेट की डील करता है। केप को जिंदा देखकर ब्लैंकेट काफी खुश हो जाता है। ब्लैंकेट के छूटते ही ब्लैंकेट उस रकुन को धोखा दे देता है और उसे बाकी सभी जानवरों को जल्दी से छोड़ने को कहता है। सारे जानवरों को छोड़ दिया जाता है। केप उन सारे जानवरों को वहां से एक बड़े से स्टैचू में बिठाकर उस नदी में उतार देता है। वो फैक्ट्री ऑनर उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर ब्लैंकेट किसी तरह से उससे उनका पीछा छुड़वाता है और वो सारे स्टैचू के अंदर बैठकर नदी के नीचे के रास्ते से होते हुए पिचटोपिया पहुंचते हैं। वहां का नजारा देखकर सारे जानवर हैरान थे। वाकई में एक पैराडाइज ही था। वहाँ उन्हें और भी बहुत से कैट्स मिलते हैं जिनके साथ केप खूब खेलता है। आज पहली बार बिना किसी के रोक टोक के केप खेल रहा था, पर रात होते ही उसे समझ आ जाता है कि यहाँ उसका कोई अपना नहीं है जिसके साथ वो रह सकता है। अगले दिन ब्लैंकेट केप से कहता है कि वो वापस अपने घर जा रहा है, वही उसका असली घर है। वो केप को बाकी दुनिया को एक्सप्लोर करने को कहता है और वो मैक को लेकर वहां से चला जाता है। वो ब्लैक कैट और रकुन्स वहीं रहने का सोचते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।